तो जय भारत दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इस वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है या पहले किसी ना किसी के गुलाम रह चुके हैं। हमारे इंडिया पे शासन करने वाली पुर्तगाली और डच भी पहले किसी के गुलाम हुआ करती थी। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि यूरोपियन देशों पे आखिर राज कौन करता था, इन लोगों को कैसे पता चला कि इंडिया एक कंट्री है, और बाद में पुर्तगालियों का शासन हमारे इंडिया पे बढ़ता ही गया। तो दोस्तों, एक बहुत ही रोचक कहानी है ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस, जिसे 1494 में किया गया था स्पेन और पुर्तगाल के बीच। दोनों ही यूरोपियन कंट्री है, और इस पूरे यूरोपियन कंट्री में पहले रोमन एम्पायर का राज हुआ करता था। जैसे जैसे रोमन एम्पायर खत्म होता गया, सारे कंट्री सोच रहे थे कि हम अपने ट्रेड को मजबूत करें, इसलिए उन्होंने एक ट्रीटी के द्वारा स्पेन को वेस्ट का हिस्सा और पुर्तगाल को ईस्ट का हिस्सा दे दिया, जिसकी वजह से पुर्तगाल के हाथों में पूरी की पूरी ईस्ट की सी रूट आ गई। और जितने भी यूरोपियन कंट्री है, इनकी ज़्यादातर ट्रेड अरब कंट्रीज से चलती थी, क्योंकि अरब कंट्रीज मिडिल मैन का काम करती थी एशिया और यूरोप के बीच में। अब पुर्तगाली सोचते थे आखिर ये अरब वाले इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आखिर लाते कहाँ से हैं, और इसीलिए एक पुर्तगीज मर्चेंडाइज बार्थोलोमियो डियास 1487 में अपनी शिप लेकर निकल गया कि आखिर ये जगह है कहाँ पे। वह केप ऑफ गुड होप अफ्रीका तक तो गया, उसके बाद का रास्ता उसे नहीं पता था। लेकिन वही 1497 में वास्को डी गामा उसी रास्ते से होते हुए इंडिया तक पहुंच गया। अरब के लिए तो यह रास्ता बहुत ही आसान था कि वह झट से मलक्का और हार्मुज होते हुए इंडिया पहुंच सकते थे, लेकिन पुर्तगाल के लिए काफ़ी ज़्यादा कठिन था। अब अरब वालों को यह बात रास नहीं आने लगी, इसलिए पुर्तगाली और अरब के बीच बहुत भिड़ंत होने लगी। आखिर कौन डिस्ट्रीब्यूटर चाहेगा कि कस्टमर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदे। लेकिन धीरे धीरे पुर्तगाली इन्फ्लुएंस हमारे इंडिया पे बढ़ता ही गया, और 1505 में फ्रांसिस्को दी अल्मेडा गवर्नर बनकर हमारे भारत में आए। अब वे चाहते थे कि जितने भी सी रूट्स हैं इंडिया के, वह सारे पे हमारे पहरे हो, और कोई भी इंडिया से व्यापार ना कर पाए। यूरोप में जितने भी व्यापार हो वो सिर्फ हमसे हो, और हम जितने भी सामान हैं इंडिया के वह यूरोप में ले जा करके 15 गुना रेट पे बेच सकते हैं। इसलिए उन्होंने अरब से भिड़ंत स्टार्ट कर दी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और एडेन पे कब्जा जमाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इजिप्ट और वेनिस को एक बहुत ही बड़ी डर थी कि उनकी ल्यूक्रेटिव बिजनेस कहीं बर्बाद ना हो जाए इन पुर्तगालियों के कारण। इसलिए उन्होंने क्या किया, 1507 में एक पुर्तगाली जहाज को पकड़ करके कूटना स्टार्ट किया, जिसमें से फ्रांसिस्को दी अल्मेडा का बेटा मारा गया। और इस बैटल को कहते हैं हम लोग बैटल ऑफ ड्यू। और इस बैटल में बहुत सारे पुर्तगालियों की जाने गई थी, लेकिन पुर्तगाल एक बात बहुत ही भली भांति समझ चुका था कि अगर हमें इंडिया पे राज करना है तो सबसे पहले हमें इंडियन ओशियन का मास्टर बनना पड़ेगा। इसलिए फिर से पुर्तगालियों ने क्या किया, जितने भी मुस्लिम ट्रेड वाले रूट थे जैसे कि अडेन, ऑर्मुज, मलक्का, इन सब में जहाज़ों को पकड़ पकड़ कर धोना स्टार्ट किया, क्योंकि पुर्तगाली चाहते थे कि अब हमारी ही मोनोपोली चले, अब जो आएगा सबको मारा जाएगा। इसलिए अरब और पुर्तगालियों के बीच बहुत बड़ी युद्ध स्टार्ट, और जितने भी बैटल होते थे इसमें सब में पुर्तगालियों को जीत होती थी, क्योंकि पुर्तगाली का सिर्फ एक ही मकसद था, अब इंडियन ओशियन का मास्टर बनना और मुस्लिम ट्रेड को पूर्णतः बर्बाद कर देना। और उस समय फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने एक बात कही थी, एज लॉन्ग एज यू मे बी पावरफुल एट सी यू विल होल्ड इंडिया एज योर्स, एंड इफ यू डू नॉट पोजेस दिस पावर लिटिल विल अवेल यू एट अ फोर्ट्रेस ऑन शोर। और इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि जितने लंबे समय के लिए आप समुद्र में पावरफुल बने रहेंगे, इंडिया आपको अपना दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे अपनी पावर आप खोते जाएंगे, आपको इंडिया में कुछ देखने को नहीं मिलेगा। इवन इफ वहाँ पर जितने भी किले बने हैं उनके बाहर तक धूल आपकी नहीं होगी, क्योंकि इंडिया जो है एक समुद्र से घिरा हुआ कंट्री है। इंडिया के एक साइड ही सिर्फ लैंड है, बाकी तीनों साइड सिर्फ पानी ही पानी और समुद्र ही समुद्र है। और इसलिए पुर्तगालियों ने दुबई के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे हम लोग ऑर्मुज कहते हैं, उस पर भी कब्जा कर लिया, ताकि अरब कंट्रीज होते हुए भी हम अपनी कारोबार कर सकें। और उसके बाद स्ट्रेट ऑफ मलक्का, और इसी तरह जितने भी स्ट्रेट है इन सब में पुर्तगालियों की अपनी अपनी एक बहुत ही बड़ी बैटल ग्राउंड बन चुकी थी कि अब वहाँ से कोई भी नहीं गुजर सकता था। और फ्रांसिस्को दी अल्मेडा के द्वारा इंडियन ओशियन का मास्टर बनना ही कहलाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। इसका ये मतलब था सीधा सीधा कि अगर हमें इंडिया पे राज करना है तो सबसे पहले हमें इंडियन ओशियन का मास्टर बनना पड़ेगा, तब जाकर हम इंडिया में अपनी महल बना सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा।